चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लल यादव ने रहुआ कि देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान होली के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज किया गया। फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया और फिल्म ने शानदार बिहार झारखंड के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर दूसरा सप्ताह प्रवेश कर लिया है। यानी कि दूसरे सप्ताह भी दिनेश लल यादव निरहुआ का जलवा भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि निरहुआ का दूसरा वीक का रनिंग सक्सेसफुल पोस्टर तो पहले ही जारी कर दिया गया है, लेकिन खबर आ रही कि फिल्म 2019 का निरहुआ का दूसरा बड़ा सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि निरहुआ का जो देशभक्ति अवतार दिखाया गया है जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है, खास करके नेपाल के खूबसूरत वादियों में निरहुआ का जोरदार रोमांस भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। तो वहीं हेलीकॉप्टर स्टंट तो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, खास करके निरहुआ नेपाल की खूबसूरती वादियों में जोरदार फाइट सीन और दमदार डायलॉग पर भोजपुरिया दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ की धमाकेदार फिल्म शेरे हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर शेरे हिंदुस्तान का लुत्फ जरूर उठाएं। और जिन लोगों ने शेरे हिंदुस्तान देखा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का देशभक्ति अंदाज शेरे हिंदुस्तान में कैसा लगा।